से एक्सप्लेन किया था। क्रॉस डेथ क्रॉस डेथ क्रॉस, क्रिप्टो न्यूज में सब जगह यही चल रहा है दोस्तों। मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्या है ये डेथ क्रॉस एंड कब और कैसे बनता है ये डेथ क्रॉस। जिसने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेथ क्रॉस जब भी बनता है चार्ट पर तो नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाते हैं इन्वेस्टर के बीच में, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आ जाती है। और इसके साथ साथ मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है वो ट्रेंड भी चेंज हो जाता है बियर ट्रेंड में। और इस इंडिकेटर के तो नाम में ही डेथ है, इससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टर्स के लिए। बट इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मींस इसका मतलब जब तक ये बनता है तब तक मार्केट में ऑलरेडी उठापटक हो चुकी होती है और जो थोड़ी बहुत बाकी रह जाती है वो इसके बनने के बाद हो जाती है दोस्तों। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ जिससे आप क्लियरली समझ जाएंगे। रिसेंट में जो डेथ क्रॉस BTC के चार्ट पर बने थे वो एनालिसिस करते हैं। डेथ क्रॉस बनने के बाद में उसका क्या इम्पैक्ट BTC के चार्ट पर हुआ? तो ये देखिए, एक अच्छे बुल रन के बाद 17 दिसंबर 2017 को बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया $20,000 के आसपास का। उसके बाद में बियर ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मार्केट ने 6,000 के लेवल को टच किया, यानी कि 70% तक का डाउनफॉल हुआ। बट आप क्लियरली देख सकते हैं जो डेथ क्रॉस बना वो बना मार्च के एंड में और डेथ क्रॉस के टाइम बिटकॉइन अपने लोअर लेवल के पास ही था। इसके बाद एक ईयर तक बिटकॉइन के प्राइस में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। बट नवंबर 2018 में फिर से पैनिक सेलिंग हुई और बिटकॉइन ने 3100 के लेवल को टच किया, यानी कि अनदर 50% का डाउनफॉल। तो चलिए हम टोटल गिरावट चेक करते दोस्तों, वो कितनी हुई? तो देख सकते हैं दोस्तों, टोटल गिरावट हुई 85% के आसपास। अब देखो 65% ऑलरेडी हो चुकी थी डेथ क्रॉस बनने से पहले और उसके बाद हुई 20% बस। अब देखते हैं 2019 में बने डेथ क्रॉस को। ये देखिए दोस्तों, बुल रन चल रहा था और 25 जून को बिटकॉइन ने $14,000 के लेवल को टच किया, जो उस टाइम का ऑल टाइम हाई होगा। उसके बाद से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और बिटकॉइन ने $7,300 उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड उसके बाद बिटकॉइन ने ट्रेंड चेंज किया और बिटकॉइन का प्राइस $7,300 के आसपास रह गया। और उसके जस्ट बाद डेथ क्रॉस बना हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ चार्ट पर। और यहाँ पर भी डेथ क्रॉस बनने से पहले 50% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी थी। और इसके कुछ मंथ बाद फिर से बिटकॉइन ने एक लो बनाया $3,700 के आसपास का, यानी कि अनदर 50% का डाउनफॉल। अब हम टोटल डाउनफॉल को देखते हैं दोस्तों। टोटल डाउनफॉल हुआ है दोस्तों 73% के आसपास का। इसके साथ साथ दोनों बार आपने चेक किया हो तो दोस्तों, डेथ क्रॉस बनने के बाद बिटकॉइन को एक साल का टाइम लग गया उससे निकलने में। अब हम करंट सिनेरियो को देखते हैं। April 14 को बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई $65,000 को टच किया और उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ और $30,000 तक के लेवल को टच किया, मींस 55% के आसपास तक की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और डेथ क्रॉस अभी बना नहीं है। डेथ क्रॉस बनता है तो दोस्तों इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक और 50% के आसपास का फॉल हमें बिटकॉइन में देखने को मिले, जो बिटकॉइन के प्राइस को $15,000 से $20,000 तक ले जाएगा। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है ये इन्वेस्ट करने का। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों 40% इन्वेस्टमेंट आप अभी कर सकते हैं
और लास्ट टू टाइम्स की तरह एक और 50% तक का फॉल अगर हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन में, तो अनदर 40% के इन्वेस्टमेंट को तब इन्वेस्ट करें। रिमेनिंग 20% को आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसे तब इन्वेस्ट करें जब मार्केट में बुल रन कंफर्म हो जाए। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि 100% इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक साथ कभी भी ना करें। तो चलिए आप देखते हैं दोस्तों, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी को लेकर। सबसे पहले हम बैड न्यूज को देखते हैं। आप सभी ने ये न्यूज जरूर सुनी होगी, एल सल्वाडोर ने स्टेटमेंट दिया था कि वो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यूज करना चाहते हैं, बट वर्ल्ड बैंक ने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने साफ मना कर दिया है। ये बिटकॉइन के लिए एक अच्छी न्यूज थी दोस्तों, और इस न्यूज के बाद बिटकॉइन में हमें एक स्पाइक भी देखने को मिला, बट अब वर्ल्ड बैंक ने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है दोस्तों। उसके साथ साथ कई इकोनॉमिस्ट ने भी उनकी इस स्टेटमेंट को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया था, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी एल सल्वाडोर की स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं किया है। तो ये एक बैड न्यूज़ है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं गुड न्यूज़ की। मिलियनेयर व्हेल्स गोबल अप 90,000 बिटकॉइन ओवर पास्ट 25 डेज। तो दोस्तों, सेंटीमेंट ने एक रिपोर्ट शो की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया है कि पिछले 25 दिनों में 90,000 बिटकॉइंस व्हेल्स और मिलियनेयर वॉलेट्स ने एक्यूमुलेट किए, 90,000 बिटकॉइंस व्हेल्स ने बाय किए हैं। सिंपली एक्सप्लेन करूं तो 90,000 बिटकॉइंस वेल्स यानी कि बड़े इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने बाय किए हैं पिछले 25 दिनों में, जिनकी वर्थ है $367 बिलियन। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों कि वेल्स इस टाइम पर बिटकॉइंस को बाय कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।